नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 8 अक्टूबर 2023 दिन रविवार। हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी खबरें जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक जरूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ में 35 स्थानों पर SIT की दबिश। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के मामले की जांच के लिए गठित प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में 35 स्थानों पर दबिश दी। SIT ने कांगड़ा, मंडी, ऊना, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला और सोलन जिले के बद्दी के आरोपी सुखदेव और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसरों की तलाशी ली। इसके अलावा पंजाब और चंडीगढ़ में भी तलाशी अभियान चला। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार तलाशी के दौरान SIT को मामले संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। SIT ने कई दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरण व वाहनों को जब्त किया। SIT के अनुसार तलाशी के दौरान एकत्र किए गए सबूत क्रिप्टो मुद्रा घोटाले के जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालांकि अभी भी मामले मुख्य सरगना फरार है। मंडी पुलिस ने एक साथ 18 जगहों पर दबिश देकर संदिग्धों के घरों में जांच पड़ताल की। आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी में प्रदेश में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। प्रदेश भर में अब तक 15 से 20 FIR दर्ज हो चुकी है, जबकि 50 से अधिक शिकायतें पुलिस के पास पहुंची हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस और सरकार ने इसकी जांच के लिए SIT गठित की है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड 26 नवंबर से लेगा अध्यापक पात्रता परीक्षा, शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 26 नवंबर से अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगा। 26 नवंबर से शुरू होने वाली ये परीक्षाएं 9 दिसंबर तक जारी रहेंगी। इन परीक्षाओं का आयोजन सुबह और शाम दो सत्रों में होगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थी 9 से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने कहा कि 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से 9 से 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन विलम्ब शुल्क 300 रुपये के साथ जमा करवाए जा सकेंगे। इस दौरान सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 800 जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपये शुल्क के रूप में जमा करवाने होंगे। परीक्षा के 4 दिन पहले स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जहां से अभ्यर्थी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। हिमाचल के कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, जाने 13 अक्टूबर तक का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में रविवार को मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 9 और 10 अक्टूबर को मैदानी व मध्य पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में बारिश और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। 9 अक्टूबर के लिए अंधड़ का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने के आसार हैं। 11 से 13 अक्टूबर से फिर मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी जिलों में मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्कृष्टता केंद्र धर्मशाला की प्रशिक्षु बेटियों ने बढ़ाया देश का मान। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र धर्मशाला के प्रभारी राकेश जसल ने कहा कि एशियाई खेलों में भारतीय कबड्डी टीम ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। भारतीय कबड्डी टीम में हिमाचल की 5 बेटियों ने अपना योगदान भी दिया है। उन्होंने कहा कि 2 बेटियां पुष्पा राणा और ज्योति ठाकुर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र धर्मशाला की प्रशिक्षु हैं। इसके साथ ही स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम की कप्तान रितु नेगी तथा सुषमा शिलाई तथा निधि बिलासपुर से ताल्लुक रखती हैं। बेटियों ने अनुकरणीय खेल कौशल और अदम्य भावना का प्रदर्शन करते हुए हिमाचल का ही नहीं अपितु समूचे देश का नाम विश्व भर में ऊंचा किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र साई धर्मशाला को अपने खिलाड़ियों एवं एथलीटों के शानदार प्रदर्शन पर गर्व है, और केंद्र सरकार के निर्देशानुसार खेलों के ऐसे माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान से आने वाले चिट्टे के तस्कर को सोलन पुलिस ने अटारी बॉर्डर से दबोचा। हिमाचल प्रदेश की सोलन पुलिस को चिट्टा तस्करी के मामले में जबरदस्त सफलता हासिल हुई है। खाकी की स्पेशल टीम ने भारत पाकिस्तान सीमा से चिट्टा की तस्करी करने वाले आरोपियों में से एक आरोपी को अटारी वाघा बॉर्डर के समीप से गिरफ्तार किया है। 25 सितंबर स्पेशल टीम द्वारा चिट्टा तस्करों पर रखी जा रही निगरानी के दौरान पाया गया कि सुरिनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला छात्र दक्ष ठाकुर चिट्टे की खरीद फरोख्त में शामिल है, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अलावा
अन्य युवक युवतियों को भी चिट्टा सप्लाई करता है। आरोपी शूलिनी यूनिवर्सिटी से एम फार्मा की पढ़ाई कर रहा है। टीम ने दक्ष ठाकुर के कमरे में दबिश दी। ऊना के रहने वाले 23 वर्षीय दक्ष ठाकुर से 12 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। बैकवर्ड लीकेज इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी से खेप के सप्लायर के बारे में पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि यह पिछले कुछ सालों से अटारी बॉर्डर के एक नशा तस्कर पंजाब के अमृतसर की अटारी तहसील के रहने वाले 33 वर्षीय मंगल सिंह के संपर्क में है और लगातार हेरोइन की तस्करी हिमाचल प्रदेश में ऊना, मंडी और सोलन में कर रहा था। इस दौरान खुलासा हुआ कि नशा तस्कर भारत पाकिस्तान की सीमा से 6 किलोमीटर दूर रहता है और पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से आने वाली हेरोइन की तस्करी में सालों से लिप्त है। आरोपी को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम गठित की गई। इसके बाद आरोपी को अटारी बॉर्डर के पास भारत पाकिस्तान की सीमा से गिरफ्तार कर सोलन लाया गया। माँ बाप का लाडला बेटा खड्ड में डूबा, 11 साल थी उम्र, पसरा मातम। हिमाचल के नदी नालों में कई लोगों की डूबने से मौत हो जाती है। ऐसा एक दर्दनाक हादसा हिमाचल के सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में हुआ है। यह नदी में नहाने के दौरान एक 11 साल का बच्चा डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत से माँ बाप सदमे में है। यह हादसा बद्दी में बालत खड में हुआ है। हादसे की सूचना मिलते पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार बद्दी में सनसिटी मार्ग के पास ही बालत खड में एक 11 साल के मासूम की डूबने से मौत हो गई। यह किशोर अपने दोस्तों के साथ खड में नहाने गया था। इसी दौरान अचानक वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। हालांकि उसके अन्य साथियों ने उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। धर्मशाला में मेहंदी के तूफान में उड़ी अफगानी टीम, बांग्लादेश ने 6 विकेट से दर्ज की जीत। हिमाचल प्रदेश के धौलाधार की गोद में बने दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट मैदानों में शुमार HPCA स्टेडियम धर्मशाला में विश्व कप के पहले मैच में बांग्लादेश की टीम ने अफगानी शेरों को ढेर कर दिया। बांग्लादेश के लिए टॉस जीतना सही निर्णय साबित हुआ। मैदान में बांग्लादेश के ऑलराउंडर मेहंदी हसन मिराज की गेंदबाजी और बल्लेबाजी ने अफगानिस्तान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। मैन ऑफ द मैच रहे मिराज ने 9 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके। इसके बाद 57 रन की धुआंधार पारी भी खेली। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान की टीम को 6 विकेट से मात दी। अफगानिस्तान की ओर से दिए गए 156 रन के लक्ष्य को बांग्लादेश ने 34.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अफगानिस्तान टीम की खराब फील्डिंग ने बांग्लादेश की जीत की राह और आसान कर दी। इसके साथ ही धर्मशाला में वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के दौरान 10, 17, 22 तथा 28 अक्टूबर को पैराग्लाइडिंग, ड्रोन फ्लाइंग, हॉट एयर बैलून, एरोस्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस बाबत जिला दंडाधिकारी डॉ. निपुण जिंदल ने आदेश पारित करते हुए कहा कि मैच में विशेष अतिथियों तथा दर्शकों की सुरक्षा के दृष्टिगत धर्मशाला, कांगड़ा, बैजनाथ, शाहपुर उपमंडलों में यह आदेश लागू रहेंगे। कोई भी संस्था, व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करेगा तो आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बाबत आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि किसी भी स्तर पर विशिष्ट अतिथियों तथा दर्शकों की सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं हो। आज का सुविचार, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।